नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी, आप सब लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम घूम रहे हैं रमन रेती। आज हम आपको गोकुल के एक सुंदर मंदिर में ले चलते हैं जिसको रमन रेती कहते हैं। ऐसा माना जाता है यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों के साथ गायें चराई थी, रेत के मैदान में मित्रों के साथ लोटपोट हुए थे। इस पावन भूमि का नाम रमन रेती है। यह रमणीक स्थान है और यह स्थान मथुरा और महावन के बीच में पड़ता है। यह मथुरा से 13 किलोमीटर दूरी पर है। इस स्थान पर रमण बिहारी मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ तपस्या की थी, इनकी समाधि भी है। यहाँ के मंदिर में हाथियों के द्वारा सुबह इस मंदिर में बने हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और शाम को हाथियों के द्वारा ही आरती की जाती है जो देखने लायक होती है। यहाँ रेत में लोटपोट होकर निरोगी होते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे तक खुला रहता है, बस दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं। रमन रेती मंदिर मथुरा आगरा रोड पर स्थित है। रमन रेती में चारों तरफ रेती ही रहते हैं और जो भी घूमने आते हैं वो यहाँ रेत में जो भी रेत के द्वारा बनाते हैं उससे संबंध उनकी इच्छा पूर्ण होती है। जैसे कोई इस रेत से घर बनाता है तो उसके घर का सपना पूरा होता है। यहाँ रमन रेती आश्रम में संतों के लिए छोटी छोटी कुटियाँ हैं जो बाहर से साधारण दिखती हैं लेकिन अंदर से हर सुविधा से सुशोभित है। ये रमन रेती यहाँ बच्चों का पार्क है, श्री बिहार जी की कुंड मार्ग है यह, और यहाँ आने जाने वाले हर तरफ से खेलते कूदते हैं, झूला झूलते हैं। इस तरह से यहाँ बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अपने आप को यहाँ खेलने से रोक नहीं पाते। यह श्री बिहारी जी का कुंड है। यहाँ रमन रेती में रेत में लोटपोट होने के बाद श्री बिहारी जी कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। तो इस तरह से रमन रेती गोकुल के दर्शन करने के बाद बहुत टूरिस्ट एंजॉय लेते हैं। ये सभी श्री बिहारी जी कुंड का मजा ले रहे हैं। एकदम पावन जल है। तो आशा है
आप लोगों को ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और साथ में शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आप उर्मिला वीसी चैनल पर नहीं है तो उर्मिला वीसी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।